नमस्कार साथियों, साथियों मेरे पास कमेंट आई कि भैया गाड़ी के बारे में थोड़ा बताओ, बेसिक जानकारी बताऊंगा, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। गाड़ी चलाते समय में क्या ध्यान रखना चाहिए और सबसे शुरू में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, आइए बताता हूँ। तो साथियों ये स्विफ्ट डिजायर है मेरी, ऑटोमेटिक गाड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले बैठते ही ये पुश प्ले का बटन है, भैया एक बार दिखा दो इसको, ठीक है। ये बटन है, इसको आप दो बार दबाएंगे तो इसकी गाड़ी ऑन हो जाएगी, जबकि स्टार्ट नहीं है। ये शीशा उतारने के लिए, ठीक है। खिड़की बंद कर लूँ मैं, एक मिनट चलो तो बाहर आ जाओ बस, ठीक है साथियों। ये नीचे सीट एडजस्टेबल है, उतरते समय पीछे कर दी थी, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो आपको बैठने से पहले सीट बेल्ट लगा लेना, बाद में ध्यान रहती नहीं है, ठीक है। सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी है साथियों, ये सीट बेल्ट लगा ली अपनी सेफ्टी के लिए। कई लोग केवल इसको चालान से बचने के लिए लगाते हैं, लेकिन ये चालान से बचने के लिए नहीं, ये सेफ्टी भी है। भगवान न करे किसी के साथ कभी कुछ ऐसी दुर्घटना हो, अगर होता है तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। उसके बाद साथियों देख लो, इधर दिखाओ, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है, सेल्फ मारने वाला सिस्टम इसमें है नहीं। तो इसकी क्लिच है, क्लिच जब फुल दाबेंगे तो यहाँ ये बटन दिखाई देगा, एक बार दिख रहा है ना, आ रहा है माइक में कैमरे में, तो ये बटन दिखाई देगा। जैसे ये दिखाई देता है तभी आपको इसको दबाना है, इसको दबाए रखते हैं कुछ लोग, दबाए नहीं रखना, इसको केवल यूँ छोड़ देना है। स्टार्ट हो गई, स्टार्ट होने के बाद क्लिच हमारी पहले ही दबी पड़ी थी, देख लो क्लिच हमारी पहले दबी हुई थी। उससे पहले एक दो तीन बातों का ध्यान रखते हैं। पहले साथियों ये देख लो, अपना लाइट ऑन तो नहीं है, लाइट हमेशा ऑफ रखनी है, एसी हमेशा ऑफ रखनी है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बाद में स्टार्ट कर लो एसी, अब ऑटोमेटिक कर ली, स्टार्ट कर लिए, मोड चेंज हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हमें पीछे लेना है, पीछे का गियर डाला और ये हैंड ब्रेक है, हटाओ, दिख रहे हैं हैंड ब्रेक, दिख रहे हैं, ये हैंड ब्रेक हटाए, हटाने के बाद अपना आराम से थोड़ी सी गाड़ी पीछे कर ली, पीछे करने के बाद उसके बाद क्लिच दाबी, पहला गियर लगाया और धीरे धीरे गाड़ी छोड़ी, क्लिच और शूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।